नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अलवेज डिनर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस किंग्स इलेवन पंजाब के बीच 11th मैच खेले जाने वाले T20 IPL, और इस मैच की डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये मैच रिस्की होने वाला है या फिर ये मैच सेफ होगा। देखिए, अगर मैच रिस्की होता है तो फिर वो बैटिंग सेक्शन से होगा, क्योंकि बैटिंग सेक्शन में आपको मयंक अग्रवाल या फिर रायडू को भी ड्रॉप करना पड़ सकता है। वही अगर ऑलराउंडर सेक्शन की बात करेंगे तो लियाम लिविंगस्टोन या फिर अगर देखा जाए तो डिवियन प्रेटरियस, इन दोनों प्लेयर को आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। और अगर देखा जाए तो आपको 2 से 3 बड़े प्लेयर को इस मैच में ड्रॉप करना ही पड़ेगा। हमारे पास और कोई भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं बचता है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे सेफ टीम बनाने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम 10 प्लेयर सेफ लेंगे, सिर्फ एक प्लेयर पर हम रिस्क लेंगे। और मुझे लगता है कि ये रिस्की प्लेयर 100% चलने वाला है, जिसका सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा डाउन है, लेकिन लोग इसको इसलिए नहीं लेने वाले हैं क्योंकि ये पॉइंट ज़्यादा नहीं देगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये 100% आपको पॉइंट दे सकता है। तो सबसे पहले हमें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी सभी प्लेयर्स की, और उसके बाद जो है हम यहाँ पे टीम बनाने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है दोस्तों। लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है आपको, किसी और तरह से ज्वाइन नहीं करना है, क्योंकि और एक चैनल है जो कि फेक है हमारे नाम से। और बात करेंगे 25,000 रुपये के फ्री गिवे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे माई फेवरेट पे 25,000 रुपये का फ्री गिवे रखा है आपके लिए, तो आप इजीली यहाँ पे पार्टिसिपेट करके विन कर सकते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले तो हमें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी प्लेयर्स की, और ये 9 पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जब भी आप स्मॉल लीग प्लस ग्रैंड लीग की टीम बनाते हो तो ये 9 पॉइंट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होते हैं, जब आप मेगा लीग की भी टीम्स बनाते हैं। बात करेंगे टेलीग्राम चैनल की, तो टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है दोस्तों। वेन्यू की अगर बात करेंगे तो ब्रबन स्टेडियम है मुंबई का। टाइमिंग की बात करेंगे, शाम के 7:30 बजे मैच स्टार्ट होगा, आपको 7 बजे ऑनलाइन रहना होगा, और 7:15 में, लास्ट के 15 मिनट में मैं आपको मेगा लीग की 6 टीम्स प्रोवाइड कर दूंगा। अब दोस्तों, बात करेंगे पिच रिपोर्ट की, तो देखा जाए यहाँ पे मुंबई की जो पिचेस है, जैसे कि वानखेड़ी की पिच है, यहाँ पे ब्राउबॉर्न की पिच है, तो ये जो पिचेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा बैट्समैन को सपोर्ट करती है। मतलब मुंबई की मिट्टी ही ऐसी है कि वो बैट्समैन को सपोर्ट करती है, और लास्ट के जो 2 मैचेस खेले गए थे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कोर बना था। और अगर देखा जाए दोस्तों कि यहाँ पे 170 का भी स्कोर बनता है, 170 प्लस का भी स्कोर बनता है, तो एक अच्छा स्कोर माना जाएगा, कॉम्पिटिटिव स्कोर माना जाएगा। और बात करेंगे जिस टीम ने यहाँ पे चेस करने का डिसीजन लिया है, वो उसके जीतने के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो जो टीम यहाँ पे टॉस जीतेंगी वो पहले बॉलिंग करने का डिसीजन ले सकती है। दोस्तों, एवरेज स्कोर की अगर बात करेंगे तो 190 का एवरेज स्कोर बताया जा रहा है अभी यहाँ पे। अब दोस्तों, पिच रिपोर्ट को जानने के लिए हमें रिसेंटली लास्ट मैचेस का रिकॉर्ड देखना होगा। देखिए, मुंबई इंडियंस वर्सेज दिल्ली कैपिटल के बीच खेला गया था, लेकिन फर्स्ट इनिंग में 170 प्लस की पारी खेली, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 5 विकेट गए। यहाँ पे दिल्ली कैपिटल ने मैच जीता, लेकिन सिर्फ 6 विकेट गए। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 5 और 6 विकेट गए, ठीक है। उसके बाद जो रिसेंट मैच खेला गया था तो CSK 7 विकेट गए, और यहाँ पे बात करेंगे लखनऊ के, सिर्फ 4 विकेट गए। कहने का मतलब क्या है कि विकेट उतने नहीं जा रहे, मतलब बॉलर्स को सपोर्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर बैट्समैन की बात करेंगे तो बैट्समैन को फुल सपोर्ट मिल रहा है। 177 रन की पारी और 5 विकेट देखे तो किसी ना किसी बैट्समैन ने यहाँ पे 50 रन की पारी जरूर खेली है। ऐसे एक तरह से देखा जाए दोस्तों, तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि बैट्समैन को सपोर्ट मिलेगा, लेकिन बॉलर्स को उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है इस पिच पे, तो आपको बैट्समैन पे फोकस करना चाहिए। साथ ही साथ उस ऑलराउंडर को आपको टीम में लेना चाहिए जो 4th या 5th नंबर पर बैटिंग करने के लिए आए, और मेरे हिसाब से बैटिंग प्लस बॉलिंग से पॉइंट दे, तो वो ऑलराउंडर जो होगा वो कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओवरऑल मैचेस की बात करेंगे तो 6 में से बैटिंग फर्स्ट टीम ने 3 जीते, बैटिंग सेकंड टीम ने 3 जीते हैं, और जिस टीम का बैटिंग लाइनअप स्ट्रांग होगा वो पहले बैटिंग करे या फिर बाद में बैटिंग करे, उसके जीतने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई है दोस्तों। पेसर्स वर्सेस स्पिनर की बात करेंगे तो लास्ट मैच की अगर बात करेंगे तो दोनों ही मैचेस में पेसर्स को ही ज़्यादा से ज़्यादा विकेट मिले हैं, और स्पिनर की बात करेंगे तो 7 विकेट मिले, मतलब डबल विकेट जो है पेसर्स को मिले। और मैंने ब्राबॉन के पिच पे जो वीडियो बनाया था, पहले भी वीडियो बनाया था, तो उसमें भी मैंने आपसे यही कहा था कि पेसर्स को सपोर्ट मिलेगा, और बहुत से भाइयों ने वहाँ पर मेरी ग्रैंड लीग भी विन की थी। T20 डोमेस्टिक की बात करेंगे तो हाई स्कोर की बात करेंगे 201 पे 4 है, लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो आप देख सकते हैं 210 है यहाँ पर, और मेरे हिसाब से यही IPL का अभी फिलहाल के लिए हाईएस्ट स्कोर है यहाँ पे। और उसके बाद लोएस्ट स्कोर की बात करेंगे तो 173.48 है, लेकिन अगर बात करेंगे तो कोई टीम यहाँ पे 150 के अंडर भी ऑल आउट हो सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा जो स्कोर बनता है 190 के ऊपर ही बनता है, और इस मैच में भी आपको 170 प्लस का स्कोर देखने को मिल सकता है। टीम न्यूज़ की बात करेंगे दोस्तों, तो आप देख सकते हैं दीपक चहर इस मैच में नहीं खेलने वाले हैं। उसके बाद अगर एडम मिल इस मैच में खेलते हैं, अगर वो फिट होते हैं तो फिर वो मुकेश चौधरी या फिर यहाँ पे तुषार देशपांडे, इन दोनों में से किसी को रिप्लेस करके खेल सकते हैं। किंग्स इलेवन पंजाब की बात करेंगे तो जॉनी बेस्ट्रो का यहाँ पे इस मैच में सिलेक्शन हो सकता है, तकरीबन 90% चांसेस है कि जॉनी बेस्ट्रो इस मैच में खेले,
और अगर बात करेंगे जॉनी बेस्ट्रो इस मैच में खेलेंगे तो भी फिलहाल के लिए नहीं बताया गया है कि किस प्लेयर की जगह पे खेलने वाले हैं, लेकिन राजबाओ की बात करेंगे तो राजबाओ की जगह पे संदीप शर्मा को इस मैच में स्थान दिया जा सकता है। बैट्समैन बॉलर की बात करेंगे तो चेन्नई सुपर किंग के पास जो पेसर्स है हमें देखना होगा, तुषार देशपांडे अगर खेलेंगे तो ठीक है, उसके बाद चौधरी, उसके बाद जयन ब्रावो है, उसके बाद पीटर एरियस है और मेरे हिसाब से शिवम दुबे है। तो एक तरह से देखा जाए इनके पास पांच पेसर है और यहाँ पे देखा जाए जडेजा और यहाँ पे मोइन अली, ये दो इनके पास स्पिनर्स हैं। और मेरे हिसाब से किंग्स इलेवन पंजाब की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं राहुल चहर है, कगी सुरबाड़ा, अर्शदीप सिंह है, उसके बाद ओडन स्मिथ है और राजबाओ अगर इस मैच में खेलेंगे तो ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये चार इनके पास पेसर्स है और एच ब्रा स्पिनर है और यहाँ पे लिविंगस्टोन की बात करेंगे ये इनके पास स्पिनर्स है। स्कोर कार्ड की बात करेंगे तो ये इनका स्कोर कार्ड है लास्ट के दो मैचेस का और पंजाब किंग का ये इनका स्कोर कार्ड है। सबसे पहले हमें देखना होगा चेन्नई सुपर किंग के बैटिंग लाइनअप को, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इनमें से ये पांच इनके मेन बैट्समैन है जो स्कोर करेंगे। टॉप ऑर्डर के बैट्समैन की बात करेंगे उथप्पा और यहाँ पे गायकवाड़, ये इंपॉर्टेंट हो गए। हालांकि गायकवाड़ दोनों ही मैचेस में फ्लॉप हुए लेकिन बैट्समैन को अगर सपोर्ट मिलेगा इस पिच पे तो मुझे लगता है कि गायकवाड़ के चलने के भी चांसेस काफी ज्यादा हाई है। उसके बाद मोइन अली बैटिंग प्लस बॉलिंग से पॉइंट लेंगे, शिवम दुबे बैटिंग प्लस बॉलिंग से। रायडू की बात करेंगे तो ये नीचे में आएंगे फिफ्थ नंबर पे और ये भी आपको बैटिंग से पॉइंट दे सकते हैं। उसके बाद अगर बात करेंगे रविंद्र जडेजा, महेंद्र सिंह धोनी, ये दोनों ही मिडल ऑर्डर में बैटिंग करने के लिए आते हैं। उसके बाद ब्लेजर्स की बात करेंगे, ये भी ऑलराउंडर सेक्शन में अवेलेबल है। और बॉलर्स की बात करेंगे तो ये तीन इनके मेन बॉलर्स होने वाले हैं। किंग्स इलेवन पंजाब की बात करेंगे तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो राजबावा जो कि इस मैच में खेलेंगे तो ठीक है, अदरवाइज संदीप शर्मा इनके जगह पे खेल सकते हैं। तो ये इनका बैटिंग ऑर्डर होने वाला, ये इनके पांच इंपॉर्टेंट बैट्समैन हो गए। हालांकि राजबावा की बात करेंगे तो ये नहीं चलेंगे उतना। उसके बाद बात करेंगे शाहरुख खान है और एच ब्रार या फिर ओडिन स्मिथ इनके जगह पे खेल सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं खेलने के लिए एच ब्रार की जगह पे। तो ये इनका मिडल ऑर्डर का बैटिंग लाइनअप होने वाला है। उसके बाद नीचे में चलेंगे राहुल चहर, कगिसी रबाड़ा और हर्षदीप सिंह, ये तीनों इनके मेन बॉलर होने वाले हैं। और आपको क्या लगता है दोस्तों इनमें से किसका बैटिंग ऑर्डर स्ट्रांग है? मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि चेन्नई सुपर किंग का बैटिंग ऑर्डर स्ट्रांग है। हालांकि ऋतुराज गायकवाड़ फ्लॉप हुए लेकिन चेन्नई सुपर किंग के पास देखा जाए तो उत्तप पाए दोनों मैचेस में अच्छा प्रदर्शन, गायकवाड़ चलने के चांसेस है इस मैच में। मोइन अली है, शिवम दुबे और रायडू की बात करेंगे, शिवम दुबे को इस मैच में थोड़ा सा डाउन भेजा जाए तो मेरे हिसाब से काफी ज्यादा अच्छा होगा। रायडू को ऊपर भेजा जाना चाहिए फोर्थ नंबर पर। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है चेन्नई सुपर किंग का बैटिंग लाइनअप स्ट्रांग है। साथ ही साथ अगर बात करेंगे तो किंग्स इलेवन पंजाब की बॉलिंग लाइनअप की बात अगर करेंगे तो इनके पास रबाड़ा है और राहुल चहर जैसे प्लेयर बॉलर है जो कि विकेट निकाल सकते हैं। प्लेयर सिलेक्शन की बात करेंगे तो हमारे ऐप पे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करेंगे सिलेक्शन की और हमें ये देखना होगा कि इस प्लेयर का सिलेक्शन सबसे ज़्यादा है, मतलब लोग ट्रस्ट क्यों दिखा रहे। देखिए भानुका राजपक्षा लोगों को पता है कि ये अच्छे प्लेयर है लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि जॉनी बेस्ट्रो इस मैच में प्ले कर सकते, इसलिए इनका सिलेक्शन देखिए सिर्फ 30% है। लेकिन जैसे ही टॉस के बाद इनको पता चलेगा, लोगों को पता चलेगा कि ये खेलने वाले, तो इनका सिलेक्शन महेंद्र सिंह धोनी से भी हाई हो सकता है। तो मेरे हिसाब से आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए और भानुका राजपक्षा को टीम में ट्राई करना चाहिए। अब दोस्तों सेकंड बात कर लेते हैं कि हमें अभी टीम में धोनी को ट्राई करना चाहिए फिर बेस्ट्रो को ट्राई करना चाहिए। अगर बैटिंग पीछे तो बैट्समैन को सपोर्ट मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा पाँच से लेकर छः ही विकेट जाते हैं, तो ऐसे में महेंद्र सिंह धोनी सातवें नंबर पे आते हैं, तो हमें महेंद्र सिंह धोनी को ट्राई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? लास्ट वीडियो भी मैंने आपको दोस्तों यही कहा था कि महेंद्र सिंह को आपको ड्रॉप करना चाहिए। क्यों ड्रॉप करना चाहिए? क्योंकि सेवन नंबर पर आते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इनको पॉइंट नहीं दिए। अगर ये खुद को प्रमोट करते महेंद्र सिंह धोनी तो कम से कम 30 या फिर 35 रन बना देते, लेकिन सेवन नंबर पर आए थे तो मैंने उस मैच में भी आपको कहा था कि आपको ड्रॉप करना चाहिए। तो देखिए मेरे हिसाब से मैं महेंद्र सिंह धोनी को ड्रॉप करूंगा क्योंकि सेवन नंबर पे आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 विकेट जाएंगे, तो ऐसे में इनको बैटिंग करने का मौका नहीं मिलेगा। और मेरे हिसाब से जॉनी बेस्ट्रो इंपॉर्टेंट हो गया, फोर्थ नंबर पे आएंगे, फोर्थ या फिर फिफ्थ नंबर बैटिंग करने के लिए आएंगे। लास्ट के पाँचवें मैचेस से इनका रिकॉर्ड काफ़ी ज़्यादा गलत है लेकिन मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ये इस मैच में स्कोर कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे जॉनी बेस्ट्रो को ट्राई किया। अब जॉनी बेस्ट्रो को नहीं ट्राई करना चाहते तो इनके जगह पे किसको ट्राई कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। बैटिंग सेक्शन की बात करेंगे तो हमें देखना होगा कौन सा प्लेयर किस नंबर बैटिंग करने के लिए आ सकता है। रॉबिन उथप्पा जो कि ओपन करेंगे, शिखर धवन ओपन करेंगे, मयंक अग्रवाल ओपन करेंगे और अंबती रायडू की बात करेंगे तो फिफ्थ नंबर पे ऋतुराज गायकवाड़ ओपन करेंगे, शिवम दुबे और यहाँ पे सिक्स नंबर पे आएंगे शाहरुख खान। अब दोस्तों यहाँ पे मैं लेने वाला हूँ रिस्क। सबसे पहले हम बात करेंगे सेफ प्लेयर की, तो शिखर धवन 82% सिलेक्शन, रॉबिन उथप्पा दोनों का ही सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा हाई है, दोनों ही इंपॉर्टेंट हो गए। मयंक अग्रवाल का सिलेक्शन 60% के ऊपर है लेकिन मयंक अग्रवाल को मैं ड्रॉप करूंगा। आप ये भी कह सकते हैं कि भाई मयंक अग्रवाल जैसे प्लेयर को ड्रॉप करना काफ़ी ज़्यादा रिस्की होगा, फिर भी आप रिस्क ले रहे हो ऋतुराज गायकवाड़ पे। तो देखिए दोस्तों इस मैच में आपको रिस्क लेना इंपॉर्टेंट है, 10 प्लेयर तो आप सेफ लोगे लेकिन एक प्लेयर पर रिस्क लेना होगा। अगर ऋतुराज गायकवाड़ का सिलेक्शन देखेंगे तो 50% के ऊपर लोग इन पर ट्रस्ट दिखा रहे, इसका मतलब मैं अकेला नहीं हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि यार ऋतुराज गायकवाड़ पर रिस्क लेना चाहिए। अब यहाँ पर जो प्लेयर इनको सिलेक्ट करेंगे वो एक्सपर्ट भी हो सकते हैं, ठीक है, और कुछ प्लेयर ऐसे भी होंगे जो रिस्क लेना पसंद करेंगे, लेकिन
आपको टीम में एक रिस्क लेना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए, ऋतुराज गायकवाड़ पे मैं रिस्क लूंगा, मयंक अग्रवाल को मैं ड्रॉप करने वाला हूँ। हालांकि 32 रन की पारी खेल चुके हैं और ये ओपन करेंगे। और बात करेंगे दोस्तों अभी रायडू की, तो आप देख सकते हैं नीचे में रायडू का सिलेक्शन 49% है। आप एक तरह से अगर देखोगे ना दोस्तों, तो ये जो पांच प्लेयर है इनका सिलेक्शन जो है 50% के ऊपर ही है, ठीक है। तो ये सभी प्लेयर्स को आप ट्राई करना चाहते हैं ट्राई कर सकते हैं। अब बात आते हैं दोस्तों कि आप बेस्ट्रो को ड्रॉप करके यहाँ पे मयंक अग्रवाल को पिक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं मयंक अग्रवाल को ड्रॉप करूंगा और यहाँ पे बेस्ट्रो को पिक करूंगा। अदरवाइज और एक ऑप्शन बचता है जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ नीचे में। उसके बाद अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे हमने जो रिस्क लिया है मयंक अग्रवाल और अंबती रायडू, ये दोनों रिस्की प्लेयर होने वाले इस मैच के लिए। दोस्तों बात करेंगे ऑलराउंडर सेक्शन की, तो मोइन अली है, यहाँ पे रविंद्र जडेजा है 6 नंबर पे आएंगे। लिविंगस्टोन की बात करेंगे 4 नंबर पे आएंगे। ओडन स्मिथ की बात करेंगे 8 नंबर पे। प्रेटेरियस 8 नंबर पे। राजबाओ की बात करेंगे, खेलेंगे तो ठीक है, अदरवाइज संदीप शर्मा इनके जगह पे प्ले करने वाले हैं। सबसे पहले सिलेक्शन देख लेते हैं कितने लोगों ने लिया है। सिलेक्शन देखेंगे मोइन अली 81, रविंद्र जडेजा 63, दोनों ही इंपॉर्टेंट हो गए। दोनों की टीम में ट्राई करेंगे आंखें बंद करके, क्योंकि दोनों ही अच्छे पॉइंट दे सकते हैं। अब नीचे भी देखेंगे लियाम लिविंगस्टोन, ये इंपॉर्टेंट हो गए। और उसके बाद देखेंगे ओडन स्मिथ और यहाँ पे प्रेटेरियस है। सिर्फ आपको एक ही प्लेयर को ट्राई करना है दोस्तों। कौन से प्लेयर को ट्राई करने की कोशिश करोगे आप, मेरे हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। देखिए लियाम लिविंगस्टोन की बात करेंगे 4 नंबर पे आएंगे। लास्ट के दोनों मैचेस में विकेट नहीं मिला, लेकिन विकेट जरूर निकाल सकते हैं। अब लियाम लिविंगस्टोन को ट्राई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये भी आपको बता देता हूँ। देखिए अगर हम बात करेंगे लियाम लिविंगस्टोन की, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से यहाँ पे 1, 2, 3 और 4, ठीक है, ये इनके मेन ऑप्शन है। और ये देखा जाए तो 5वां नंबर का ये जो है, ये 5 इनके मेन बॉलर्स है। और 6 नंबर की बॉलर्स की अगर बात करेंगे, तो लियाम लिविंगस्टोन इनका 6 नंबर का बॉलर है। और मेरे हिसाब से ये 2 ओवर कंप्लीट कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई और एक बॉलर जो होगा वो 2 ओवर कंप्लीट करता है, या फिर किसी की ज़्यादा पिटाई होती है, तो फिर शायद लियाम लिविंगस्टोन को बॉलिंग करने का मौका मिल सकता है। तो इस बेसिक पे मैंने दोस्तों यहाँ पे लियाम लिविंगस्टोन को ड्रॉप किया है। और मेरे हिसाब से डेवन प्रेटियस को टीम में ट्राई करने की कोशिश इसलिए की है क्योंकि ये फुल 4 ओवर कंप्लीट करेंगे और ये 8 नंबर पर आएंगे, लेकिन इनको प्रमोट किया जा सकता है 6 नंबर पर। तो मेरे हिसाब से मैंने यहाँ पे एक रिस्क लिया है जो कि डेवन प्रेटेरियस है, और मैंने दूसरा रिस्क लिया है यहाँ पे ऋतुराज गायकवाड़ पे। अब दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे ओडन स्मिथ और यहाँ पे लियान लिविंगस्टोन, इन दोनों में से आप किसी को भी ट्राई करना चाहते हैं तो ट्राई कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ पे वेस्ट्रो को ड्रॉप कीजिए, लिविंगस्टोन को ट्राई कीजिए, या फिर आप प्रेटेरियस को ड्रॉप करके ओडन स्मिथ को ट्राई कीजिए। लेकिन ये टीम कैसे हो जाएगी, ये सभी प्लेयर को 7वें रखने वाली टीम हो जाएगी और इससे कोई मतलब नहीं बनेगा। तो प्रेटेरियस को टीम में रखूंगा और यहाँ पे जॉनी बेस्ट्रो को लूंगा। अब दोस्तों बात करेंगे कगिसो रबाड़ा है, डैन ब्रावो, राहुल चंद, यहाँ पे आपको कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं प्लेयर को सिलेक्ट करना चाहिए जिनका सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा हाई है और साथ ही साथ ये प्लेयर्स पॉइंट दे सकते हैं। उसके बाद अर्शदीप सिंह है, दीपक चहर नहीं खेलेंगे, नीचे में एडम मिल नहीं खेलेंगे, तो फिर ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे बॉलिंग सेक्शन में उतना ज़्यादा रिस्क नहीं बना रहेगा। तो डैन ब्रावो को लिया है मैंने, यहाँ पे 2 प्लेयर इंपॉर्टेंट नहीं हो गए, राहुल चहर, कगिसो रबाड़ा, ये दोनों इंपॉर्टेंट हो गए। अर्शदीप सिंह विकेट निकाल सकते हैं, मेगा लीग में आप वाइस कैप्टन इनको बना सकते हैं। और बात करेंगे एच ब्रावो, संदीप शर्मा इस मैच में प्ले कर सकते हैं। ओपनिंग एंड डेथ बॉलर्स की बात करेंगे, तुषार देशपांडे, एम चौधरी है, एम चौधरी यहाँ पे, मुकेश चौधरी और डैन ब्रावो डेथ में बॉलिंग कर सकते हैं। किंग्स इलेवन पंजाब की बात करेंगे, अर्शदीप सिंह, कगिसो रबाड़ा, इन दोनों ने लास्ट मैच में बॉलिंग की थी ओपनिंग में। ओडन स्मिथ या फिर राहुल चहर में से कोई एक डेथ में बॉलिंग कर सकता है, 16th ओवर के बाद आपको दिखेंगे ये दोनों ही बॉलर, या फिर कगिसो रबाड़ा भी डेथ में बॉलिंग कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की बात करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग, मुझे लगता है कि 90% से ज़्यादा लोग जो प्लेयर को पिक करने वाले हैं ये 10 प्लेयर होंगे। एक प्लेयर पर आपको रिस्क लेना होगा। उसके बाद कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करेंगे, तो एक तरह से मैं आपको बता दूं, जो मेगा लीग का वीडियो आएगा उसमें हम मेगा लीग की 6 टीम्स बनाने वाले हैं। उसी वीडियो में हम यहाँ पे प्लेयर बैटल देखेंगे, उसके बाद ग्रैंडी के प्लेयर्स, कैप्टन वाइस कैप्टन ग्रैंडी के लिए, और उसी वीडियो में हम 6 टीम्स बनाने वाले हैं। दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करेंगे, तो देखेंगे यहाँ पे मोइन अली है, उत्तप्पा है, शिखर धवन, राजपक्ष, मयंक अग्रवाल, कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए अच्छे पिक होने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम टीम का प्रीव्यू देख लेते हैं, ये हमारी टीम का प्रीव्यू है, ठीक है। इस तरह से हमारी टीम होने वाली है। एक ही टीम की तरफ से, चेन्नई सुपर किंग की तरफ से, मैंने तीनों ही बॉलर को लिया है, ठीक है, जो कि मुझे लगता है बॉलिंग करेंगे, और डैन ब्रावो को लिया है, ठीक है। एक तरह से मैंने यहाँ पे 4 बॉलर्स को ही टीम में रखा हुआ है, रविंद्र जडेजा, प्रेटेरियस, मोइन अली और यहाँ पे डीजे ब्रावो, ये चारों ही बॉलर 4-4 ओवर कंप्लीट करके 16 ओवर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद रविन उत्तप्पा, ऋतुराज गायकवाड़, ये भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं दोनों ही। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे धवन को लिया है, उसके बाद राजपक्षा को लिया है, और बेस्ट्रो की बात करेंगे 4th नंबर पे आएंगे। लेकिन ऐसा करके मैंने यहाँ पे क्या किया, कगिसो रबाड़ा, राहुल चहर, इन दोनों ही बॉलर्स को टीम में ट्राई किया। दोस्तों ये मेरी रिस्की टीम होगी। अब
बात करेंगे सेफ टीम की। आप अगर चाहते हैं मुझे सेफ टीम बनाना चाहिए तो आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे तो यहाँ पे देखा जाए क्रेडिट का इशू होगा। लिविंगस्टोन को अगर आपको पिक करना है तो क्रेडिट का इशू होगा, ऐसे में आप क्या कर सकते हैं जॉनी बेस्टो को ड्रॉप कीजिए, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, लिविंगस्टोन को पिक करना है, और उसके बाद अगर आप चाहें तो यहाँ पे किसी और प्लेयर को शिवम दुबे को ट्राई कर सकते हैं, लेकिन फिर यहाँ पे देख सकते हैं क्रेडिट का इशू होने वाला है। तो ऐसे में अगर आप चाहते हैं तो आपके पास एक ये ऑप्शन होगा कि हरशदीप सिंह को ट्राई करें, लेकिन इनका सिलेक्शन काफ़ी डाउन है, तो फिर आप चाहते हैं तो यहाँ पे ओडन स्मिथ को पिक कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों आपका जो टीम बनेगा इस तरह से बनेगा, ठीक है, ये टीम होगा तो ये पूरा का पूरा सेफ टीम है। इसमें आपने रिस्क कहाँ पे लिया है, आपने रिस्क लिया ही नहीं इस टीम में। देखिए सभी प्लेयर आपकी टीम में सेफ होने वाले हैं। एक मयंक अग्रवाल पे रिस्क लिया तो आप यहाँ पे ऋतुराज गायकवाड़ को ड्रॉप करके मयंक अग्रवाल को पिक करेंगे, फिर भी देखा जाए तो आपकी टीम में कोई भी रिस्क नहीं बना रहेगा। तो रिस्क मैं लूंगा ऋतुराज गायकवाड़ पे, यहाँ पे मैं ड्रॉप करूंगा लिविंगस्टोन को, और बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे प्लेटेस को टीम में लूंगा, और यहाँ पे देखा जाए तो मैं बेस्टो को टीम में लूंगा। तो ये मेरी रिस्की टीम होने वाली है। कैप्टन वाइस कैप्टन चूज कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे तो मोइन अली कैप्टन होने वाले हैं, और बात करेंगे शिखर धवन मेरे वाइस कैप्टन होंगे, ये दोनों मेरे कैप्टन वाइस कैप्टन होने वाले। बैटिंग से भी पॉइंट देंगे, बॉलिंग से पॉइंट देंगे यहाँ पे मोइन अली और शिखर धवन। इस मैच में चलेंगे या फ्लॉप होंगे ये हम मेगा लीग की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पे जो बेल का आइकन उस पर क्लिक जरूर करना, ताकि जब भी कोई नया वीडियो सबसे पहले आपको पता चले। और 25,000 रुपये का फ्री गिवअवे, तो यहाँ पे ज्वाइन करना मत भूलना, और 25,000 रुपये के फ्री गिवअवे में आप यहाँ पे मेगा लीग की 6 टीम्स लगा सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।